दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अतिथि शिक्षक मैनुअल कौन कौन से नियम लागू होंगे, अतिथि शिक्षक के लिए अति आवश्यक दस्तावेज संकुल प्रचार द्वारा कौन कौन से होंगे, अन्यथा नहीं बनेगा मैनुअल अनुभव प्रमाण पत्र की जांच। दोस्तों यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा, आज दिनांक 22 मई 2019 को एक नया आदेश जारी हुआ है अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में, और इसमें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का संदर्भ दिया गया है, वही पुराना आदेश है। इस आदेश में आप देखिए इन क्या किया गया है, मैनुअल के संबंध में क्या किया गया है। तो इसमें समझाया गया है कि पैरा क्रमांक एक जो है यह किससे संबंधित है, आवेदक स्तर से, दूसरा संस्था स्तर से, और तीसरा जो है यह संकुल प्राचार स्तर से संबंधित है। यह है तो हम सिर्फ संकुल प्राचार स्तर से संबंधित जो कार्यवाही है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ बताया गया है पैरा नंबर तीन में कि जो कार्यवाही करना है उसके लिए संकुल स्तर से क्लेम फॉर्म की प्रति, जिस पर पासपोर्ट फोटो सहित हमें एक संकुल प्राचार द्वारा दी जाएगी, कहाँ पर, डीओ द्वारा। दूसरा शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाणित प्रति देना होगा। तीसरा तत्कालीन सत्रों में रखे जाने हेतु पारित एसएमडीसी प्रस्ताव की एक प्रति देना होगा। चौथा नंबर में तत्समय अतिथि शिक्षक रखे जाने हेतु जारी विज्ञापन की एक प्रति देना होगा। पाँचवा नंबर संबंधित संस्था में तत्समय पद रिक्तता होने का प्रमाण पत्र दर्ज संख्या कार्यरत शिक्षक सहित देना होगा। छठवां नंबर में सत्रवार प्रतिमाह उपस्थिति रजिस्टर मानदेय भुगतान देयक अनुसार उपस्थिति कार्य दिवस का गोशवारा प्रमाण पत्र देना होगा। सातवां नंबर सत्रवार उपस्थिति की प्रमाणिकता हेतु उपस्थिति पंजी की प्रमाणित प्रति देना होगा। आठवां टाइम टेबल की प्रति देना होगा। नौवां मानदेय भुगतान हेतु तैयार मासिक पोर्टर देयक की प्रमाणित प्रति देनी होगी। दसवां नंबर सत्रवार मानदेय भुगतान प्राप्ति का विवरण, किस प्रक्रिया से मानदेय भुगतान किया गया संबंधी आवश्यक दस्तावेज दिए होंगे, और अन्य यदि कोई आवश्यक हो तो वो डॉक्यूमेंट देने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। उक्त प्रक्रिया के लिए जो अध्ययन का भलीभांति अध्ययन करें और समय सीमा में यानी 31 मई तक पूर्ण कार्यवाही करें, यह आदेश यहां से पारित किए गए हैं। इसके लिए यहां पर टीम भी बनाई गई है, अधिकारी यानी संकुल प्राचार्य जो हैं उनकी यहां पर टीम तैयार की गई है। वह टीम इन्हें पूरे मैनुअल डॉक्यूमेंट देखेंगी और फिर इसे वेरीफाई किया जाएगा। यह आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को प्रति दी गई, कलेक्टर छिंदवाड़ा को दी गई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा को दी गई, संबंधित अधिकारी कर्मचारी की ओर पालनार्थ अग्रेषित की गई। तो यह आज का नया आदेश है मित्रों, यह आदेश का भलीभांति आप अध्ययन कर सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे अधिक से अधिक अतिथि शिक्षकों का फ़ायदा हो। नमस्कार।